हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम साइंस का सेट पेपर 4 करने जा रहे हैं। सेट पेपर 3 मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था और आज मैं आपको सेट पेपर 4 पूरा करवाने की पूरी कोशिश करके खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेट पेपर 4। हाँ जी बच्चों, तो पहले सबसे पहले एमसीक्यूज हैं, तो पहले एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखा एज पर द सर्टेन साइन कन्वेंशन फॉलोड फॉर मिरर एंड लेंस। हाँ जी, तो कह रहा है बताइए कि मिरर और लेंस के लिए कार्टीजियन साइन होते हैं क्या? मतलब क्या है इनके लिए कार्टीजियन साइन से सारे काम चल जाएंगे? तो आंसर है भाई फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर एंड कनकेव मिरर एंड कनकेव लेंस इज नेगेटिव। बिल्कुल सही बोला इसने। भाई देखो, यहां पर बस एक ही चीज है इनकी कन्वेंशन में। अगर एक ही चीज में बात करूं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस और कनकेव मिरर, इन दोनों में एक ही चीज का आपको फर्क दिखाई देगा। क्या? कि इन दोनों के फोकस जो होंगे क्या होंगे भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे एक दूसरे से। कैसे? कि मिरर में आपको इसका फोकस नेगेटिव मिलेगा, जबकि लेंस में इसका फोकस जो आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। ठीक है, अदर ऑप्शन भी देखते हैं। वैसे तो आंसर यही पहला ही था इसका। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर एंड कनकेव लेंस इज क्या है भाई? कन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों का क्या होता है भाई, कनकेव मिरर का नेगेटिव होता है लेकिन कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है फोकस। अगला, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव। नहीं, दोनों का पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस इज नेगेटिव। नहीं, दोनों का क्या होता है भाई, भाई यहाँ पर कन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है लेकिन कन्वेक्स लेंस का नेगेटिव होता है। तो एक का नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव, तो अदर हो गया। जबकि ए वाले में हमने क्या देखा, कनकेव लेंस और कनकेव मिरर दोनों का ही फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो ए ऑप्शन है इसका। अगला कह रहा, व्हाइल अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सेंट्रल मिडल फिंगर ऑफ द राइट इंडिकेट्स। हाँ जी, क्या इंडिकेट करता है? इंड्यूस करंट। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, मैंने बताया था कि अगर भाई राइट हैंड रूल का हम बात करें तो राइट हैंड रूल में क्या होता है भाई, मोशन होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है अगला, मोशन होता है, इंड्यूस करंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें डायग्राम दे रखा है कि कौन सा चारों में से कौन प्रिज्म का बिल्कुल सही डायग्राम शो करता है। तो बस मैंने आपको बताया है भाई, ऐसे गया, हल्का सा बेंट होगा और फिर और हल्का सा बेंट होगा, तो जो इस तरह की फिगर दिखाई दे तो वो होगा। तो कौन सी फिगर दिखाई दे रही है इस तरह की भाई? इस तरह की फिगर सिर्फ एक ही दिखाई दे रही है, डी। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि वी और आई या आई और वी ग्राफ में रेसिस्टेंस कहाँ दिखाई देगा। तो मैंने बताया है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहाँ पर है? बी, बी का होगा। कह रहा है इन अ हाइड्रो पावर प्लांट, हाँ भाई हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सी एनर्जी लगती है? यही है, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय स्टोर वाटर एंड कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी। बस वही तो है यार, हो गया खत्म। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, पानी को इकट्ठा किया जाता है बॉयलर से, बॉयलर से बॉयल किया जाता है, बॉयलर में बॉयल किया जाता है और उसका वेपर बना के सीधा हम किस पे मारते हैं, टर्बाइन पे। टर्बाइन घूमता है, शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट घूम के जनरेटर स्टार्ट हो जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बस हो गया, पहला ही ऑप्शन है। सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला मैंने बता रखा है बच्चों, सिलेक्ट लाइम CaOH ट्वाइस। ठीक है, अगला सिलेक्ट लाइम के बाद क्या होता है और बताता हूं मैं, लाइम वाटर। ठीक है, सॉरी लाइम वाटर नहीं, अगला आता है लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। तो ये क्या होगा, CaCO3। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, और बाकी क्या बस आपका CaO। बस ये तो हो गया आपका लाइम, लाइम हो गया आपका क्या, CaO। ये हो गया लाइम, जिसे हम कहते हैं अनबुझा चूना। ठीक है, अनबुझा चूना हिंदी में, सिलेक्ट लाइम बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, हुआ चूना। ठीक है, चूना, और लाइम स्टोन चूना पत्थर, चूना पत्थर। ये सारी इसके फॉर्मूले हैं। अगला, इफ वी पास CO2 थ्रू द लाइम वाटर द मिल्कीनेस डिसअपीयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। हाँ जी, कह रहा है कि अगर लाइम वाटर में CO2 प्रोड्यूस करें तो भाई देखो एक बात याद रखना, लाइम वाटर में कभी भी CO2 प्रोड्यूस करोगे तो मिल्की कलर आता है। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला कि मिल्की कलर डिसअपीयर हो गया,
तो भाई डिसअपियर किसकी वजह से होगा? तो सिर्फ एक और एक ही चीज की वजह से होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसका मिल्की, जो मिल्की कलर होता है वो डिसअपियर कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ जी, अ सब्सटेंस प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक इट कम्स टू इन द कैटेगरी किसके? मेटल। अरे भाई सीधी बात है, किसी भी चीज को अगर पीटने पर आवाज आती है तो कौन होगा? वो मेटल होगा। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूटरी थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज जनरली ड्यू टू क्या है भाई? मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर। गलत। क्या भाई, क्यों गलत? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई अगर किसी के अंदर दूसरे में चेंज दिखाई दे, एक से दूसरे में चेंज दिखाई दे, तो हम उसे कभी भी नहीं कह सकते कि नई स्पीसीज है। ठीक है, बिल्कुल अलग ही फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्लोन्स। क्लोन्स तो कभी होते ही नहीं है असेक्सुअल भाई। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन इन नेचर। नहीं भाई, कोई लगातार बढ़ना, लगातार जनरेशन का आगे बढ़ना भी नई स्पीसीज नहीं होता। एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएंट ड्यूरिंग द सेवरल जनरेशन। हाँ मतलब क्या कि नए जनरेशन के साथ साथ उनके अंदर क्या देखना, सेवरल चेंजेस देखना, वेरिएंट देखना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, न्यू स्पीसीज। ठीक है, तो ये डी होगा इसका। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कह रहा है पहले चार चीजें दी गई है, टेंड्रिल ऑफ अ पी प्लांट एंड फाइकोलेटेड ऑफ ऑप्टोपिनिया आर एनोलोजस। चलो ठीक है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एनोलोजस, विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बैट आर एनोलोजस। अगला क्या है, रेडिश एंड जिंजर आर एनोलोजस। चलो भाई पहले तो आपको ये बताओ एनोलोजस का मतलब क्या समझाया गया है। एनोलोजस का मतलब ये जो भाई दिखने में सेम हो, ठीक है, दिखने में भी सेम हो और बोलने में भी सेम हो, लेकिन उनके फंक्शन क्या हो, सॉरी 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 गलत बोल दिया मैंने, फंक्शन सेम हो, दिखने में भाई क्या हो, अलग अलग हो लेकिन बोले एक ही। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं भाई, ये पंख है किसका, चिड़िया का, और ये पंख है किसी तितली का। ठीक है, इसका भी काम फ्लाई का है, इसका भी काम फ्लाई का है, यानी फंक्शन क्या हो गया, सेम। काम क्या हो गया, सेम। फंक्शन हो गया सेम। अच्छा अगली बात, फंक्शन सेम, फिर हम इसको क्या भाई, अपीरियंस। अपीरियंस क्या हुआ, अलग हुआ। अपीरियंस क्या हुआ, अलग हुआ, मतलब इसका यानी अपीरियंस क्या हुआ, अलग। किस तरह का अपीरियंस, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल अपीरियंस इसका अलग हुआ, मतलब भैया ये हो गया आपका अलग स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका अलग स्ट्रक्चर, लेकिन इनको हम बोल क्या रहे हैं, इसको भी हम पंख बोल रहे हैं और इसको भी हम पंख बोल रहे हैं। इसका मतलब बोलने के लिए सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट और फंक्शन बिल्कुल सेम। तो चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, तो टेंड्रिल और फाइकोलेटेड भाई ये तो भाई क्या होते हैं, ये दिखने में भी सेम होते हैं, काम भी सेम करते हैं। अगला, स्वीट पोटैटो और पोटैटो दिखने में भी सेम होते हैं, काम भी सेम करते हैं। हाँ भाई, बर्ड, बर्ड का और बैट का दोनों का विंग एक जैसा ही होता है, यानी तो होमोलोजस हो रहे हैं सारे। ठीक है, अगला क्या बन रहा है कि भाई रेडिस और जिंजर भाई ये भी एक जैसे होते हैं, तो फिर अलग कौन होगा, टेंड्रिल ऑफ पी प्लांट फाइकलो, अच्छा ओपोपुनिया है, अच्छा 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 हाँ भाई देखो, टेंड्रिल क्या होते हैं, टेंड्रिल होते हैं जो इस तरीके से लटे होती हैं। तो बचा क्या, फाइकोलेटेड ऑप्टोपिनिया। भाई फाइकोलेटेड ऑप्टोपिनिया क्या है, इसमें टहनियां होती हैं और छोटी छोटी पत्तियां बाहर निकली होती हैं। तो भाई छोटी छोटी पत्तियां और लटों में बहुत बड़ा फर्क होता है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों होमोलोजस हैं बस। ठीक है, वो भी लटके रहते हैं, ये भी लटके रहते हैं, लेकिन क्या है भाई, ये थिग्मो, थिग्मो चलो उसको छोड़ दो, मतलब ये क्या है, इस पे कोई लीफ वगैरह नहीं होता लेकिन फिर भी ग्रोथ करती है, और इस पे लीफ रह के साथ में ग्रोथ करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यानी ये दोनों कौन है, ये दोनों होमोलोजस है। चलिए, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन कितना होता है, 35 37। इंडियन फ्रिक्वेंसी कितनी है एसी की, 50। तो ये तो कुछ नया है नहीं, ये तो बढ़ते आए हैं लगातार, तो ये सब तो हो गया। सेक्शन बी, सेक्शन बी पे आ जाओ। अच्छा सेक्शन बी क्या, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ ना, कि डिफाइन द रेजिस्टेंस गिव इट्स एसआई यूनिट। भाई इसको बताइए, रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट के फ्लो को क्या करे, कंट्रोल करे, रोके। ठीक है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी एक एक तरह का ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन, एक तरह का ऐसी रुकावट जो करंट के बीच में आती है। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट होता है ओम। नेम एनी टू एलिमेंट दैट आर यूज इन द फेब्रिकेटिंग सोलर सेल। तो भाई क्या, सिलिकन और गैलियम, सिलिकन और गैलियम से सोलर सेल बनाया जाता है। ठीक है,
व्हाट हैपन व्हेन 5% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द वार्म प्रोपेनल टेकन टू द टेस्ट ट्यूब। तो मैंने क्या बताया था भाई कि KMnO4 को जब भी उसके अंदर मिलाएंगे तो रिएक्शन करके क्या बना देता है भाई, रिएक्शन करके वो बना देता है हमारे पास एक नए टाइप का कंटेंट जिसे एस्टर बोलते हैं। तो यानी वो क्या करेगा कि जो भी उसका KMnO4 का पर्पल कलर होगा या पिंक कलर होगा वो डिसअपियर कर देगा। क्या कर देगा? डिसअपियर कर देगा। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? हाँ जी, तो बता रखा है मैंने कि भाई ये बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए होती है। कि जैसे फूड वेब हो गया, शेर ने हिरन को खाया, हिरन ने घास को खाया घास, इस तरीके से ये सारे एक दूसरे की इकोसिस्टम की बैलेंसिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये सब क्या है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है। तो ये सब हमने भाई पढ़ रखा है अच्छे से, मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपको इसमें पढ़ना, बाकी मैं यहाँ पे समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, हाँ जी देखिए, ये मान लीजिए आपके पास प्रिज्म है। ठीक है, ये लाइट गई, लाइट कर जाने के बाद आपको पता है प्रिज्म में 7 कंस्टिट्यूट कलर आते हैं। ठीक है, 7 कंस्टिट्यूट कलर आते हैं। ठीक, अगर मैं इसको पर्दे पे ले लूं, स्क्रीन पे ले लूं, तो कुछ इस तरीके से होता है, यहां पे रेड, यहां पे वायलेट, और 7 डिफरेंट कलर, 7 डिफरेंट कलर्स क्रिएट हो जाते हैं। वी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ विब ग्योर, इस तरीके से। ठीक है, आर तो मैंने ऊपर लिखी दिया। तो बच्चों ये विवग्योर नाम से 7 कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसका आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, आई का मतलब इंडिगो, और वी का मतलब वायलेट। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे दो बातें और पूछी जा सकती है कि सबसे लीस्ट डेविएटेड कलर कौन सा है। तो आप बोलोगे रेड। सबसे कम विक्षेपित, सबसे कम विक्षेपित क्षेपित रंग कौन सा है? तो लाल। और मोस्ट डेविएटेड, मोस्ट डेविएटेड कलर कौन सा है? तो आप तुरंत बोलेंगे प्यारे बच्चों वॉयलेट, मतलब सबसे अधिक विचलित या विक्षेपित, सबसे अधिक सबसे अधिक विक्षेपित रंग। ठीक है, वायलेट। तो इस तरीके से बच्चों दिखाई देता है, इसी वजह से रेड कलर हमें बहुत दूर से भी, डिस्टेंस से भी, ठीक है, दिख जाता है बहुत ज्यादा डिस्टेंस से भी, जबकि ये डिस्टेंस होने पर नहीं दिखाई देता, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अब हमने ये भी सीखा कि अगर अगर किसी प्रिज्म में कोई व्हाइट लाइट जा रही है, बच्चों ये व्हाइट लाइट होती है, आपको मैं बता दूं, व्हाइट लाइट मतलब सनलाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट गई, 7 रंगों में बदली, और इसी के बिल्कुल पैरेलल एक और प्रिज्म उल्टा करके लगा दिया जाए, बिल्कुल पैरेलल चिपका के, तो बच्चों वो क्या बन जाता है, वो एक सिंगल लाइट बन जाती है। वो क्या बन जाती है? एक सिंगल लाइट बन जाती है। याद रखना, मैंने तो ये गैप रखा है, गैप नहीं रखना, बिल्कुल चिपका देना इसको। ठीक है, इन्वर्टेड करके चिपका देना है। तो बिल्कुल क्या होगा, व्हाइट लाइट जाएगी, व्हाइट लाइट जाएगी, 7 कलर्स में डिवाइड होएगी, और फिर वापस किस में, व्हाइट लाइट में बदल जाएगी। इसे न्यूटन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन इन्वर्जन एक्सपेरिमेंट, इन्वर्जन एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट है कि भाई अगर किसी प्रिज्म में हम 7 कंस्टिट्यूएंट कलर देख रहे हैं, तो उसी के पैरेलल चिपका के अगर हम दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रख दें, तो हमें वापस कौन सी लाइट मिल जाएगी बच्चों, व्हाइट लाइट मिल जाएगी। ये हमने इस चैप्टर के इस टॉपिक में पढ़ा है। तो आप फटाफट इसे देख लीजिए, उतार लीजिए, और ये सारी बातें इसमें लिखनी है। ठीक है, और याद रखना बच्चों, इसको तो आपको पता ही, स्पेक्ट्रम कहते हैं। याद रखना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द स्पेक्ट्रम, तो आप बताएंगे कि व्हेन व्हाइट लाइट डिवाइड्स इन 7 कंस्टिट्यूट कलर ऑन द पेपर या ऑन द स्क्रीन, तो दीज 7 कलर्स आर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये 7 जो रंग है वो स्पेक्ट्रम कहलाएंगे। ये सारी डेफिनेशंस आपको नोट्स में मिल जाएंगी, मैं आपको नोट्स के PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अच्छा और क्या है, और कुछ पूछना है इसमें, और कुछ बताने के लिए रह गया?
हाँ अब और क्या, एक बात और याद रखना, चलो ठीक है ये कर लो, बस इतना ही है और कुछ नहीं इसमें खास। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बच्चों याद रखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि जब कोई कम वेवलेंथ का कलर पूरी तरीके से फैल जाए तो उसी लाइट को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ कलर। और ये याद रखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन के कारण होती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन ज्यादा है, इस वजह से रिफ्रैक्शन फैलने की वजह से लाइट फैलने लगती है और हर जगह वो लाइट दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, जैसे अभी हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वाई? क्योंकि जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, और वेवलेंथ कम होने की वजह से वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, और सबसे ज्यादा स्कैटर करने की वजह से हमें ब्लू कलर का आसमान दिखाई देता है। लेकिन जब शाम होती है या जब सुबह सुबह सूरज उग रहा होता है, तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा वेवलेंथ हाई होती है रेड कलर की कि उसके आसपास का एरिया जो होता है वो बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है, ब्लडी रेड कलर का। ठीक है, तो देखो ये सारी बातें इसमें क्वेश्चन में पूछी भी गई है और मैंने बता भी दिया आपको। चलो ये उतारना चाहो उतार लो बच्चों, ये उतारना चाहो उतार लो, फिर मैं ये मिटा रहा हूं। ठीक है, अब ये भी देख लो लगे हाथ, मतलब वो पेपर आप अगर देखोगे तो ये सारे पेपर लास्ट कई इयर्स में आए हुए हैं और कितने इजी इजी क्वेश्चन है। अब जैसे ये देखो, कह रहा है कि आपके पास ना एक इंसुलेटेड कॉपर वायर में करंट भाई फ्लो कर रहा है, मान लीजिए ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, प्लस माइनस, ये आपके पास बच्चों करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके पास में एक और कॉइल है जिसमें बस एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। अब पता है आपको कि इसने बोला कॉपर वाइज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, सॉरी 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 सॉरी, इसी में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है जी, इसी में ही गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और यहां पे मान लो बैटरी होगी। ठीक है, इसमें बैटरी होगी। अच्छा, अब बोला क्या गया है कि एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट को इसके अंदर अगर डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो बच्चों याद रखना, पहला पुश्ड इनसाइड द कॉइल, अगर हम कॉइल के अंदर इस बार मैग्नेट को डाल देते हैं, विद्युत चुंबक को, सॉरी दंड चुंबक, हिंदी में दंड चुंबक को डाल देते हैं तो क्या होगा। तो पहला आंसर है इसका मैग्नेटिज्म गेट्स वेरी हाई, गेट्स वेरी हाई। ठीक है, चुंबकत्व बहुत अधिक बढ़ जाएगा, चुंबकत्व बहुत अधिक बढ़ जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? सेकंड, अब कह रहा है अगर बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा, विदड्रॉ करें, विदड्रॉ करें कॉइल को, विदड्रॉ द कॉइल आउटसाइड, आउटसाइड। ठीक है, विदड्रॉ द कॉइल आउटसाइड, तो क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिज्म गेट्स डिक्रीज्ड। ठीक है, क्या होगा भाई, चुंबकत्व घटने लगेगा, चुंबकत्व घटने लगेगा लगेगा। ठीक है, थर्ड थर्ड अगला क्या है, हाँ जी, हेल्ड उसी में ही छोड़ दें, हेल्ड इन स्टेशनरी उसी में छोड़ दें तो क्या होगा। तो भाई क्या फिक्स्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिक्स्ड द मैग्नेटिज्म। ठीक है जी, मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ये सारी बातें आपको इसके आंसर में लिखी हुई हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। क्या अगर मैं बार मैग्नेट को इसके अंदर लेके जाऊं तो बढ़ेगा, क्योंकि भाई इसका भी मैग्नेटिज्म और बार मैग्नेट का भी मैग्नेटिज्म, तो भाई जब दो मैग्नेटिज्म आपस में ऐड होंगे तो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब इससे बाहर निकालने लगेंगे तो वापस कम होने लग जाएगा, इसी में छोड़ देंगे तो एक समय के बाद क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट,
अगला कह रहा भाई क्लासिफाई इनटू द डिफरेंट टाइप्स। हाँ भाई तो कौन कौन से हैं। अच्छा पहला रिएक्शन है, इसमें आप देख रहे हो कि दो क्या है कंपाउंड है, और दो कंपाउंड से भी दो कंपाउंड बन रहे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगले में क्या देख रहे हो कि दो कंपाउंड है और एक नई चीज बन रही है, तो कौन सा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगले में क्या देख रहे हो एक चीज है और एक से दो चीज बन रही है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और नेक्स्ट में क्या है एक एलिमेंट है एक कंपाउंड है और फिर वहां पे एक्सचेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस यही बताना था हमें। और बी में कह रहा है कि ट्रांसलेट द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो बच्चों ये टेस्ट में मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। अगला भी बहुत इजी सही है सारे। अगला क्वेश्चन नंबर 24, अ व्हाइट पाउडर इज यूज्ड बाय द डॉक्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स, कैल्शियम सल्फेट, कोई नई बात नहीं है, कैल्शियम सल्फेट सेमी हेमीहाइड्रेट जिसे हम लोग पीओपी भी कहते हैं, हाउ इज दिस पाउडर प्रिपेयर्ड, तो आपको पता ही है जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर गर्म करके हम इसको बनाते हैं। व्हेन दिस व्हाइट पाउडर इज मिक्स विद द वाटर हार्ड एंड ऑब्टेन राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब पीओपी से जिप्सम कैसे बनाते हैं ये करना है आपको, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाँ भाई गिव वन मोर यूज ऑफ द दिस व्हाइट पाउडर, क्या भाई कि हम इससे स्टैचू वगैरह भी बनाते हैं और दीवारों पेंट वगैरह भी करते हैं, ठीक है, इस तरीके से पेंट नहीं सॉरी प्लस्तर करते हैं। हाँ जी अगला, नेचुरल वाटर बॉडीज आर नॉट, क्वेश्चन नंबर 25 है, नेचुरल वाटर बॉडीज आर नॉट रेगुलरली क्लीन वेयर एज एन एक्वेरियम नीड्स रेगुलरली क्लीन, वाई। हाँ जी क्यों, क्योंकि बच्चों पॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, झरने वगैरह जो होते हैं, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों, टाइनी भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी की लगातार क्या करते रहते हैं सफाई करते रहते हैं, वो उसको मतलब गंदा होने से बचाते हैं, प्यूरिफाई करते रहते हैं, इसलिए गंगा का पानी जो है हमेशा साफ मिलता है। क्यों मिलता है, ठीक है, इतना गंदा होने के बावजूद भी अगर उससे लोग पी लेते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, कितनी सारी चीजें करते हैं, फिर भी लोग बीमार नहीं पड़ते, उल्टा उनके स्किन डिसीज कई बार हमने खत्म होते हुए भी देखा है, ठीक है, उन पानी में नहाते हुए भी। तो क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस पानी को लगातार साफ करते रहते हैं, लेकिन हमारे घर का जो पानी होता है उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, वो पहले ही हमारे द्वारा आरओ वगैरह के द्वारा मार मूर दिए जाते हैं, और फिर जब उसके अंदर होता नहीं है तो भाई वो पानी इसीलिए कुछ समय बाद अपने आप बदबू करने लगता है या खराब हो जाता है, ठीक है। वट आर द डीकम्पोजर्स, तो भाई डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, जो हमारे भाई आसपास के सारी गली सड़ी चीजों को या डेड बॉडीज को खा के खत्म कर देते हैं और एटमोसफेयर को क्लीन कर देते हैं, उसी को डीकम्पोजर्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि और ये भी इकोसिस्टम का क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। चलिए अगला, ओजोन वाला मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, पढ़ा रखा है सलाइवा क्या काम करता है, आपको पता है सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है और खाने को बचाने में मदद, एससीएल क्या करता है खाने को ब्रेक डाउन और बैक्टीरिया से बचाता है, बाइल जूस क्या करता है खाने के नेचर को बदल देता है और डाइजेशन में मदद करता है, विली क्या करता है, विली हमारे डाइजेस्टेड फूड में से भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स वो कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को दे देता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। चलिए देख लो बहुत सारी चीजें सब कुछ इसमें किया हुआ है। व्हाट आर द फॉसिल्स, भाई जो कई हजारों साल पहले मर के जमीन में दब गए और उनसे आज हम जो भी यानी कि फायदे ले रहे हैं, या एनिमल के जो भी डेड बॉडीज हैं या प्लांट के जो भी डेड बॉडीज जो दब गई हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं फॉसिल्स, जो हमें किस काम आते हैं भाई, ठीक है, रिलेटिंग टू मान लो कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग समझते हो ना उनको, मतलब कार्बन C14 से हम लोग उनकी एज पता कर लेते हैं कि कितने हजार साल पुराने हैं, इस टाइप से, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है अभी अभी बताया हमने, मायोपिया का डायग्राम क्या है ये भी अभी अभी बताया हमने, ठीक है। बाकी फॉर्मूला डिराइव करना मैंने आपको सिखा रखे हैं, सारे फॉर्मूला डिराइव करने सिखा रखे हैं, ठीक है। हाँ ये देख लो न्यूमेरिकल, देख लो न्यूमेरिकल करा देता हूँ, ठीक है, जो चीज हम पहले से कर चुके हैं उसकी बस आपको रिवीजन करनी है, बाकी जो डाउट आए मुझे भेजो। हाँ जी ये आपको दे रखी है बैटरी,
ठीक है भाई, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 24 ओम और 24 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है। अब कह रहा है आपसे कि करंट इन 12 ओम रेजिस्टर, करंट इन 12 ओम रेजिस्टर, बताओ इसमें से कितना करंट जाए, कितना करंट जाएगा। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ ए वन एंड ए टू, ए वन और ए वन ए टू की रीडिंग में क्या है भाई, क्या डिफरेंस होगा। चलो भाई बताते हैं क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो भाई, तो सबसे पहला है करंट इन 12 ओम रेजिस्टर। अगर बच्चों मैं इसको सॉल्व कर दूं, इसका नाम मैं R1 रख दूं, इसका नाम मैं R2 रख दूं और इसका नाम मैं R3 रख दूं, तो R1 और R2 को पहले सॉल्व करो। तो ये बनेगा R, आपका 4 बनेगा, R1 प्लस R2। पता है ना क्यों बनेगा R4? क्यों बनेगा? क्योंकि इन दो को मिला के मैं एक बना रहा हूं, तो 1/24 और 1/24 भाई, जब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, तो 2/24 कैंसिल आउट 12, 1/12, 1/R4 पलट दो, R4 12 ओम, R4 कितना आ गया 12 ओम आ गया, R4 कितना आ गया 12 ओम आ गया। यहां तक हो गया बच्चों? अच्छा, अब उसने तो यही बोला है कि भाई करंट बताओ कि 12 ओम से कितना करंट जाएगा। अब चाहे मैं इसके लिए निकालू चाहे इसके लिए निकालू, बात तो एक ही है। चलिए नाउ, तो आपको पता ही है V इज इक्वल टू I R, अब ये तो मिलके क्या बन गया 4, तो V कितना है हमारे पास 6, I हमें पता नहीं, R4 कितना है अभी अभी बना दिया मैंने इसको 12, 12 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो I बराबर 6/12 कैंसिल आउट 1/2, और 1/2 होता है 0.5 एम्पियर। तो बच्चों करंट कितना गया 0.5 एम्पियर। अब कह रहा है कि अगर A1 के थ्रू करंट जाए और A2 के थ्रू करंट जाए तो बताओ इनमें करंट में कितना फर्क आएगा। अरे कुछ भी फर्क नहीं आएगा। कैसे भाई? A1 के लिए सॉल्व कर रहे हो तो ये पूरा मिलके कितना बना 12 बना, और ये तो पहले से ही 12 है, तो भाई इसके लिए सॉल्व करोगे इसके साथ तब भी 1/2 आएगा, इसके साथ सॉल्व कर रहे हो तब भी 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये तो अंडरस्टूड सा था। ठीक है, चलिए एस्ट्रिफिकेशन, सोपनिफिकेशन, ठीक है क्या है, लास्ट क्लास में ही पढ़ा दिया है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, वैलेंसी वाला पढ़ लेते हैं। हाउ इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट डिटरमाइंड इफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉन। हाँ भाई, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉन है तो हम उसको ये देख लेंगे कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या है भाई। पहली बात देखो, हम क्या पता कर लेंगे, जितने पार्ट्स में वो डिवाइड है वो उसका पीरियड होगा, फिर उसके लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके हिसाब से देख लेंगे कि वो डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है। अगर डोनेट कर रहा होगा तो जरूर मेटल होगा, और एक्सेप्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन तो वो नॉन मेटल होगा। और जितने 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 पार्ट्स में डिवाइड होगा, मतलब जितने उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होंगे, 2 बारी में, 3 बारी में, 4 बारी में, तो जितने बार होंगे उतना ही उसका क्या होगा, पीरियड होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है बी, कि हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ये 5 एलिमेंट हैं। ए है जिसका नंबर है 4, बी है जिसका नंबर है 9, सी का 14, डी का 19, ई का 20, ये दिया हुआ है हमें। अब हमसे क्या बोला है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट विच वन हैव वन इलेक्ट्रॉनिक सेल। लो भाई, कह रहा कि किसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अगर तोड़ोगे तो 2 और 2, इसको तोड़ोगे 2 और 8 तो होता ही नहीं तो 7, इसको तोड़ोगे 2, 8 और 4, इसको तोड़ोगे 2, 8, 8, 1, और इसको तोड़ोगे 2, 8, 8, 2, तो किसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, डी के, तो बच्चा डी आंसर इसका। ठीक है, ठीक, और क्या पूछा है, हाँ अगला पूछा है विच टू एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, कौन से ऐसे हैं जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो देखो इसके लास्ट में भी 2 है, इसके लास्ट में भी 2 है, तो मतलब ए और ई सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे विच टू एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप, जो हो गया ये। अगला थर्ड लास्ट है, विच वन ऑफ द अबव एलिमेंट बिलोंग टू द फोर्थ पीरियड हैज बिगर एटॉमिक रेडियस एंड वाई। हाँ जी भाई, फोर्थ पीरियड में देखो ये भी है और ये भी है, क्यों? क्योंकि ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन साइज किसका बड़ा होगा,
अब बात आता है साइज किसका बड़ा होगा, डी का कि ई का। हमने सुना है कि लेफ्ट टू राइट में साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और भाई ये पहले पे है तो इसका मतलब फर्स्ट पीरियड में होगा, ये सेकंड पे है तो इसका मतलब सेकंड पीरियड में होगा। और हम कहां जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, फर्स्ट से 18 पीरियड होता है। तो यानी जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो फर्स्ट बड़ा होगा, सेकंड छोटा होगा, तो इसका मतलब डी का साइज ई के साइज से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि डी लेफ्ट में है और ई राइट में है। ठीक है, चलिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, ये सब तो बहुत, कंट्रासेप्टिव डिवाइस क्या है, बैरियर मेथड वगैरह ये सब जानते ही हो आप। ठीक है, और बाकी एक्स 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 वाई ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, तो इसमें कोई भी नई चीज बच्चों आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो चौथा सेट पेपर भी खत्म हुआ। ठीक है, और आपको ये चौथे सेट पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत इजी सेट पेपर था। और जो भी डाउट होगा फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में सेट पेपर 5 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।